नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में डंपर परिचालक संघ सागर नरसिंहपुर के साथ बैठक की गई, जिसमें डंपर परिचालक संघ ने परिवहन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में परिचालक संघ द्वारा बताया गया कि रॉयल्टी देने के बाद भी अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही सही दस्तावेज होने के बाद प्रकरण बनाए जा रहे हैं। यदि डंपरों से अवैध परिवहन किया जा रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन खनिज विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई जाए। आज सब हम ही सागर और नरसिंहपुर जिले के डंपर वाले एकत्र होकर जिला कलेक्टर के पास आए थे कि हमें परिवहन के लिए कुछ हमारी जो समस्याएं हैं उनका निर्धारण किया जाए और कोई ऐसी व्यवस्था तय की जाए जिससे हमको डंपर का परिवहन करने में, डंपर से खनिज का परिवहन करने में कोई भी असुविधा ना हो। और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि अगले 7 दिनों में ऐसी समस्याएं आ रही सर, ओवरलोड, हमें पुलिस विभाग से और शासन से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम वैध रूप से भी अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं फिर भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह 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 खाली गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, अन्यथा अलग कार्रवाई की जा रही है, बहुत परेशानी आ रही है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि 7 दिनों को ऐसी नीति का निर्धारण होगा जिससे कि जो वैध काम करेगा उस पर कोई भी अनैतिक काम नहीं होगा, कोई अनैतिक कार्रवाई नहीं होगी। डंपर यूनि की समस्या है, रोज आए दिन केस बनाए जा रहे हैं गाड़ियों पर, इससे हम सब आहत थे। इस परेशानी को लेकर कलेक्टर साहब के समक्ष आए हैं कि हम सब वैध तरीके से गाड़ी चलाना चाह रहे हैं। जो हम लोग वैध रॉयल्टी लेके गाड़ी चलाएं इसके लिए कैसे आप नियम बनाएंगे, हम लोग एक नंबर में गाड़ी चला पाए, इस बात के लिए हम लोग सवाल यहाँ एकत्रित हुए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आगामी 7 दिनों में ऐसी कोई नीति निर्धारण करेंगे कि जिससे हम सब एक लीगल तरीके से गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, संचालन कर, और लग रहा है कि कुछ सुधार होगा। तरीके से हम लोग एकत्रित हुए हैं, कलेक्टर साहब और SP साहब ने भी जवाबदारी से बात की है और लग रहा है कि हम लोगों की जो समस्या है उसमें सुधार होगा। बैठक में कलेक्टर एवं SP ने डंपर परिचालक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि अवैध वसूली किए जाने पर इसकी सूचना तत्काल देना सुनिश्चित करें, प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाएगा, साथ ही कार्यवाही के दौरान पूर्ण पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जाएगी। आज डंपर संचालकों के साथ हमने एक बैठक रखी थी, कुछ दिन पहले उन्होंने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के संदर्भ में हमने उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उसका जिला स्तर पर क्या निदान हो सकता है उसके संदर्भ में आज एक चर्चा होत की थी। जो उनकी मुख्य रूप से समस्याएं थी ओवरलोडिंग को लेकर ज़्यादा उनको थी, उसे हमने आश्वस्त किया है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में सभी वाहन मालिकों के साथ एक जैसी कार्रवाई हो, वैसी कार्रवाई की जाएगी। वो चाहते थे कि जब जाँच हो तब उसकी वीडियोग्राफी हो, वो भी हमने कहा है कि हम वीडियोग्राफी सुरक्षित करा लेंगे। इस तरह के उनके इशूज़ थे जिसमें आपस में बैठ के निराकरण हो गए काफ़ी हद तक। सर, यदि नियम के तहत डंपर चलेंगे तो उसमें रेत की मात्रा लगभग आधी आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ेगा, जो नई रेट रेत के उसी दाम में उसे। इसमें देखिए ऐसा, जो ओवरलोडिंग के संबंध में जो नियम है वो भारत सरकार के बनाए हुए हैं, उसमें परिवर्तन हम लोकल लेवल पर नहीं कर सकते। जो नियमों के साथ जो कार्रवाई होंगी उसका पालन कराने के लिए हम बात दें। उनका ये कहना था कि प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है और ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि थाने से माइनिंग ऑफिस में आने में, माइनिंग ऑफिस से कलेक्टर न्यायालय तक के आने में टाइम लगता है। हमने उनको कहा है कि इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक लेके आए। डंपर यूनियन नरसिंहपुर और जिला सागर ने इकट्ठा होकर आज हमारे साथ एक मीटिंग की जिसमें कलेक्टर साहब और मैं मौजूद रहे। उसमें उनके जो मुख्य बिंदु रहे वो रेत परिवहन को लेकर हुए कि डंपर जो हैं वो जो बॉडी की हाइट है उतनी हाइट तक उनको इजाज़त दी जाए चलाने के लिए, जिनके बारे में उन्हें समझाइश दी थी, बताया गया जो नियम कानून है जिसके अंतर्गत ही कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उनका कहना था कि जब भी कोई कार्रवाई की जाए जिले में रेत परिवहन के ऊपर तो उसकी विधिवत वीडियोग्राफी हो और कलेक्टर कार्यालय में जो है उनका निराकरण जल्दी हो। इस संबंध में सभी से चर्चा की गई और सबको आश्वासन दिया गया कि जिला प्रशासन जो है इन पर काम करेगी। ये उन्होंने बताया कि कई थानों में उन्हें ऐसी परेशानी आ रही है, डायल 100 को लेके ऐसी कोई आ रही है। इस संबंध में सभी को हमने आश्वासन दिया और अपने फ़ोन नंबर भी दिए हैं, कोई भी ऐसी कोई शिकायत आती है जिसमें कोई थाने से संबंधित जो होती है उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उनको भी ये हिदायत दी गई कि वो कोई इलीगल काम ना करें, कोई इलीगल अपना रेस परिवहन ना करें, विधिवत तरीके से जितनी उनको रॉयल्टी है और जितना उनका परमिशन है उसके हिसाब से उनका संचालन करें। बैठक में उन्होंने कहा कि पुनः बैठक कर चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, नरसिंहपुर।